सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी की नजरों में। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। ताकत अपने आवाज में नहीं अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश में होती है बाढ़ में नहीं। रिश्ते बरकरार रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, भावना देखें संभावना नहीं। आज का पंचांग 1 मार्च 2023 दिन बुधवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, सुबह 6:39 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र सुबह 9:52 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:31 से 1:58 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 1 मार्च 2023 दिन बुधवार, आज बोलने में सावधानी रखें। आप जिसे अपना करीबी समझते हैं वो आपकी गुप्त बात को उजागर कर सकता है। बोलने से पहले सोच लें। अपनी बातचीत का विषय अपने और सामने वाले तक ही सीमित रखें। किसी तीसरे के बारे में बात करने से बचें। किसी दूसरे शहर की यात्रा और इसके दौरान किसी पुराने दोस्त से मुलाकात की संभावना है। पुराने पलों को याद करेंगी। व्यस्तम तथा थकान भरी दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ समय मनोरंजन और मन मुताबिक कार्यों में जरूर व्यतीत करें। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। भविष्य संबंधित योजनाओं को बनाने में किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा उचित सलाह मिलेगी। आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा। कम वक्त में अनेक काम करने होंगे। अपनी योजना को ध्यान में रखें और खुद को विचलित न होने दें। जितनी मेहनत आप करेंगे उपस्थिति उतनी आसान रहेगी। प्रयत्न के जरिए जीवन को नई और बेहतर दिशा मिलेगी। विदेश में काम का मौका भी मिलेगा। रिलेशनशिप की शुरुआत होगी। विवाह तय हो सकता है। सेहत में सुधार होगा। शरीर की गर्मी बढ़ाने वाली चीजें खाने से बचें। सावधानियाँ, कुछ समय मनन और चिंतन में भी जरूर लगाएं, क्योंकि एकाग्रता में कमी होने के कारण आप अपने कामों को उचित प्रारूप देने में दिक्कत महसूस करेंगे। अपने अहम और अति आत्मविश्वास जैसे कमियों में सुधार लाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप और आपके साथी के बीच कुछ तथ्यों पर असहमति हो सकती है। ये मुद्दे बहुत ही मामूली या महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पर कुछ समय से ये आपके रिश्ते में आपको बहुत परेशान कर रहे हैं या आपके संचार और आपसी वार्तालाप की कमी के कारण हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको काफी मात्रा ज्यादा धैर्य की आवश्यकता होगी। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो बात करते हैं करियर की। आज के दिन अपने व्यवसायिक और वित्तीय गतिविधियों में बदलाव लाने का दिन है। इसलिए अगर कुछ इस तरह की आपको तनाव मुक्त रखें, आप अपना दृष्टिकोण प्रभावित ढंग से शीर्ष प्रबंधकों के समक्ष रख पाने में सक्षम होंगे। यह अपने नियोक्ता से अपनी आय को बढ़ाने का उपयुक्त मौका है। व्यवसायिक गतिविधियों में अभी किसी भी तरह का परिवर्तन लाने की कोशिश न करें। जैसा चल रहा है उसी में अपना ध्यान लगाएं। मार्केटिंग संबंधित कामों को आज स्थगित रखें, क्योंकि समय और पैसा व्यर्थ ही होगा। नौकरी पेशा लोगों पर अतिरिक्त कार्यभार बना रहेगा। बात करते हैं सेहत की। आज आपके पूरा दिन खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और सामान्यतः बिल्कुल अच्छे मूड में रहने की संभावना से भरा होगा। आज आपका दृष्टिकोण किसी महत्वपूर्ण चीज की ओर बिल्कुल सही रहेगा। आपके फैसले का प्रभाव आपकी मानसिक शक्ति औरों के लिए ईर्ष्या का कारण बनेगी। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।